हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 24 फिट बाई 37 फिट 6 इंच प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जिसको कि हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान विद कार पार्किंग प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग और मिनिमम फीस में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा 24 फिट बाई 37 फिट 6 इंच का प्लॉट साइज है, जिसका कि टोटल एरिया 900 स्क्वायर फिट, यानी ये जो हमारा प्लॉट है 100 वर्ग गज का प्लॉट है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये हमारा रोड है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है। 10 फिट की एंट्री है, जिसको कि हमने कार के हिसाब से रखा हुआ है। तो आप जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो आपके लिए कार पार्किंग और स्टेयर केस का एरिया दिया हुआ है। ये जो कार पार्किंग और स्टेयर केस का एरिया रहेगा, 10 फिट बाई 20 फिट का रहेगा। यहाँ आप एवरेज लंबाई की कोई भी कार आसानी से पार्क कर सकते हैं। फ्रंट पर हमने शॉप डिजाइन किया हुआ है 12 फिट 2 इंच बाई 10 फिट 3 इंच का, जिसमें कि ये हमारा ग्रीन लाइन रोलिंग शटर रहेगा। शॉप से अटैच ये हमारा टॉयलेट रहेगा 5 फिट 10 इंच बाई 5 फिट का, जिसको कि आप फ्यूचर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये अपना वन रूम सेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ये हमारा लॉबी रहेगा। पीछे हमारा 2 BHK प्लान किया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा 10 फिट बाई 10 फिट 6 इंच का, जिसमें कि ये हमारा बेड, ये हमारा बाथरूम रहेगा कपड़े और स्टोरेज के लिए, और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा सामने वाली वॉल पर। पीछे की साइड हमारा ओपन स्पेस रहेगा, जो कि वेंटिलेशन के लिए हमने दिया हुआ है 10 फिट बाई 2 फिट 6 इंच का, जिसमें कि ये हमारा बेडरूम का विंडो लगा हुआ है, तो इससे बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। यहाँ हमने फ्रंट पर किचन डिजाइन किया हुआ है 8 फिट 3 इंच बाई 6 फिट का, जिसमें कि ये हमारा गैस स्टोव रहेगा और इस साइड ये हमारा सिंक रहेगा। किचन हमारा मेन गेट के सामने रहेगा और किचन से मेन गेट पर प्रॉपर विजिबिलिटी रहेगी। फिर आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ये हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा 12 फिट बाई 10 फिट का, जिसमें कि ये बेड और ये हमारा टीवी यूनिट और ये हमारा बाथरूम। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दिया हुआ है, तो आप इस विंडो से दोनों बेडरूम के लिए विंडो एसी लगा सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे स्टेयर केस को सबसे पहले। तो ये जो स्टेयर केस है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारी डैश लाइन है, यहाँ तक हमारा स्लैब रहेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर का स्लैब जो है। तो हमने यहाँ स्टेयर केस को छोटा किया हुआ है, तो ये जो स्टेयर केस है हमारा यहाँ 3.5 फिट का और यहाँ भी 3.5 फिट का, बट जो चौड़ाई है हमने उसकी यहाँ कम की हुई है, ये जो हमारी डैश लाइन है उससे। तो आप यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर स्टेयर केस से। तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं घर के अंदर, ये हमारा डोर रहेगा। तो एंट्री करते ही आपके लिए सामने पर लिविंग हॉल डिजाइन किया हुआ है, काफी बड़ा लिविंग हॉल है 10 फिट बाई 17 फिट 4 इंच का, जिसमें कि ये हमारा इस साइड ड्राइंग एरिया रहेगा और इस वॉल पर हमारा ड्राइंग के लिए टीवी यूनिट रहेगा और यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। किचन आप देख सकते हैं, सेम किचन हमने डिजाइन किया हुआ है, जो कि ग्राउंड फ्लोर था, सेम वही किचन, जिसमें कि ये हमारा गैस स्टोव, इस साइड ये हमारा सिंक रहेगा और इस कॉर्नर में हमने फ्रिज रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है 8 फिट 3 इंच बाई 6 फिट का, ये हमारा किचन रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स हमने बेडरूम डिजाइन किया हुआ है 12 फिट बाई 10 फिट का बेडरूम है और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा, ये बाथरूम और यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो। पीछे की साइड हमारा ओपन एरिया है, इसमें जाने के लिए ये हमने गेट दिया हुआ है और लिविंग के वेंटिलेशन के लिए यहाँ ये हमने विंडो डिजाइन किया हुआ है। यहाँ फ्रेंड्स हमने कॉमन टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है, जो कि लिविंग हॉल के लिए रहेगा, लिविंग हॉल से अटैच रहेगा,
4 फिट बाई 7 फिट का। ये इसका लेआउट रहेगा, इस साइड हमारा वॉश बेसिन रहेगा, ये टॉयलेट सीट रहेगा और इस साइड हमारा शावर एरिया रहेगा। यहाँ फ्रंट पर मिलेगा आपके लिए बेडरूम 10 फिट 6 इंच बाई 11 फिट 9 इंच का, जिसमें कि ये बाथरूम रहेगा, ये बेड रहेगा और इस वॉल पर टीवी यूनिट। बाहर बालकनी डिजाइन क्या हुआ है 10 फिट 6 इंच बाई 4 फिट का, और बालकनी में जाने के लिए बेडरूम से गेट दे रखा है, और बालकनी की साइड ही ये हमने विंडो डिजाइन किया हुआ है। तो इस वाली विंडो से आप बेडरूम के लिए विंडो एसी या फिर गर्मियों में आप कूलर लगा सकते हैं। और बेडरूम से अटैच ये हमारा टॉयलेट रहेगा, 4 फिट बाई 7 फिट का ये हमारा टॉयलेट है, ये इसका लेआउट है। तो फ्रेंड्स ये था 24 फिट बाई 37 फिट 6 इंच का बहुत ही खूबसूरत नक्शा। आपके लिए नक्शा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और आप अपने घर का नक्शा अपने अकॉर्डिंग मिनिमम फीस में डिजाइन कराना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।